भाई क्या हुआ है? सर इस हंगामे की वजह से मेरी वालदा फोत हो गई, वो हफ्ते वाले दिन से एडमिट थी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आज कानून के रखवाले, कानून बनाने वाले वकील कानून के ही दहशतगर्द बन गए, कानून की धज्जियां उड़ा दी। ये बदमाश, ये लुटेरे, ये डाकू हैं, ये कातिल हैं। लाहौर में पीआईसी अस्पताल के ऊपर जिस तरह ये हमला आवर हुए, इनकी वजह से तकरीबन अब तक 6 मरीज अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। ये दुनिया को क्या बताना चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान के कानून के रखवाले हैं, लोगों को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराते हैं, यही कानून को तोड़ते हैं, यही कानून के साथ बलात्कार करते हैं, हर किस्म की ज्यादती यही लोग करते हैं। ये पाकिस्तान के वकील नहीं, ये बदमाश हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, अंडरवर्ल्ड के जो डॉन है ना, वो भी इस किस्म के बदमाश नहीं होंगे जिस तरह पाकिस्तान के वकील बदमाश हैं। इनको इबरतनाक सजा दी जाए, जिस तरह इन्होंने हस्पताल में लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, डॉक्टरों के ऊपर, जिस तरह इन्होंने फयाजुल हसन चौहान वजीर इत्तलात उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, इनको ऐसी सजा दी जाए ताकि आने वाले कल में कोई वकील ये जुर्रत ना कर सके कि कानून को हाथ में ले या कानून को अपनी घर की लौंडी समझे। हुकूमत वक्त को बेबस नजर नहीं आना चाहिए, चाहे जो भी इसके असरात जाहिर हों, इनको इबरतनाक सजा दे। और सुप्रीम कोर्ट से भी हम ये तवक्को करते हैं कि वो सोमो मोटो एक्शन लेंगे और इनको दूसरों के लिए मिसाल बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।